आइए ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम खबरों की शुरुआत करते हैं। एनएच समता नगर में योगेंद्र सिंह नामक व्यक्ति के आवास पर छापामारी कर पुलिस ने 3 किलो गांजा बरामद किया है। एनएच स्थित समता नगर में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापामारी कर 3 किलो गांजा जब्त किया है। घर योगेंद्र सिंह नामक व्यक्ति का है जो फरार है। पटमदा के डीएसपी ने मीडिया को जानकारी दी। सुनिए ना, 1 किलो बोले 300 बोले, 1.5 किलो तो 100 ग्राम का देना होगा पैसा इनको। ठीक है सर, सर ठीक है सर, करवाते हैं सर। एक मिनट सर, हाँ दादा। समता नगर में जो मानव थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, एक व्यक्ति जो है काफी मात्रा में वो गांजा का बिक्री करता है। घटना के आधार पर हम लोग ने टीम का गठन किया। उस टीम में पुलिस इंस्पेक्टर मांगो जो थाना प्रभारी भी है, पूर्वी थाना प्रभारी विनोद पासवान, उनके साथ में टीम बना करके हम लोग ने जगह को पहले पूर्ण किया। उसके बाद में हम लोगों ने छापेमारी की। छापेमारी करने के क्रम में जो टीम थी जो गांजा की बिक्री करते थे, उसका नाम है योगेंद्र सिंह, उनकी करीब 52 साल है और ये काफी दिनों से इन पर हमारी नजर रही थी। और आशीष नामता द्वारा दिए गए बयान के विरोध में सोमवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा के नगर सचिव दल गोविंद ने संवाददाता सम्मेलन बुलाकर स्पष्टीकरण दिया। जमशेदपुर नगर समिति का ये हमारे जो सचिव महोदय आशीष नामता के का एक प्रेस में एक खबर छपा है, हम इसका प्रतिक्रिया के रूप में आपके सामने अपना स्पष्टीकरण दे रहा हूं कि विगत दिनों जो झारखंड मुक्ति मोर्चा नगर समिति का विस्तार हुआ है, इस नगर समिति का विस्तार में नगर समिति के द्वारा हमारे जमशेदपुर नगर क्षेत्र के जितने भी केंद्रीय पदाधिकारी, जितने भी जिला के पदाधिकारी, जितने भी नगर के पदाधिकारी और तमाम हमारे जो शाखा समिति के पदाधिकारी, सभी को आमंत्रित किया गया था और इसमें मैक्सिमम लोग इस सम्मेलन में लोग शामिल हुए। और उस विस्तारीकरण में हमारे तमाम केंद्रीय नेताओं का इस विस्तार में जो हुआ है इसमें सभी का सहमति रहा है। उसमें सबसे बड़ा चीज है कि आज जो एक हमारे सचिव जी का जो हमारा विरोध दर्ज किया है आया पेपर में, क्योंकि हम उसको इसलिए आपको एक स्पष्टीकरण देना चाह रहे हैं कि इसमें संपूर्ण सहमति बनने के बाद हम लोग इस कमेटी का विस्तार किए और तमाम लोग हम लोग ने साइन किया। चूंकि हमारे सचिव का साइन है, हमारा साइन है, हमारे इलेक्टेड कोषाध्यक्ष का साइन है, हमारे केंद्रीय नेताओं का साइन है, तमाम लोगों के साइन है इसमें। हम लोग सभी लोग पूरे सहमति के साथ और पूरे योग्यता के साथ कि हमको नगर समिति में योग्यता के आधार पर हम लोग ने सभी को यहाँ कमेटी में विस्तारीकरण के रूप में सभी को जगह मिला है। तो श्रमजीवी महिला समिति द्वारा एक परियोजना की शुरुआत की गई है जिसका नाम रखा गया है गर्व। विधायक मेनका सरदार ने सोमवार को जागरूकता रथ को रवाना किया। राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर श्रमजीवी महिला समिति द्वारा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके तहत बेटियों को बेटे का दर्जा देने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया गया। आम बगान में लोगों को जागरूक करने के लिए नुक्कड़ नाटक का आयोजन भी किया गया। इस मौके पर विधायक मेनका सरदार और अंतर्राष्ट्रीय महिला अरुण बेटी पढ़ाओ गोलठा था खाना वाला सब बुलाती है। बताइए भाई सब, आप ही लोग बताइए, क्या बिटिया खाली गोबरे थोपने के लिए आती है, झाड़ू मारने के लिए आती है? हम मुखिया जी, अरे राम राम बिटिया राम राम। मैं बताइए, इतना संस्कारी बेटी है, इतनी अच्छी प्यारी बच्ची को स्कूल पढ़ाना छोड़ के ही गधा कहे छोड़ाई हुई है। हम तो बापू को बोले थे कि हमें भी स्कूल जाना है, हमें भी पढ़ना, उनका नाम रोशन करना है। तब अरे नाम रोशन करना, ससुराल जाएगी तो वहाँ ठीक है। ठीक है मैडम, चलिए हो गया, चल बढ़ाओ भाई बढ़ाओ बढ़ाओ बच्चा बैठे। आज पूरा देश में रुकिए, हो जाने दीजिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो कार्यक्रम प्रधानमंत्री से लेके हमारे राज्य के मुख्यमंत्री तक
इस योजना के तहत या जिला प्रशासन या एनजीओ के थ्रू जो भी इस तरह का कार्यक्रम तय हुआ है उसको सफल करने के लिए और गांव को समाज को जगाने के लिए आज भी कई बस्ती में कई गांव में महिलाओं या बच्ची को अपना सुरक्षा के साथ साथ पढ़ाई के बारे में उतना जागरूक नहीं है और जो भी आज एनजीओ के माध्यम से जो आज इस तरह का जागरूकता कार्यक्रम पूरा पूर्वी सिंहभूम जिला में आज शुरू किया है इसका बहुत ही सराहनीय है। गुरु गोविंद सिंह जी के 350वें प्रकाशोत्सव के मौके पर उड़ीसा में 1 से 3 मार्च तक धार्मिक समागम का आयोजन किया जाएगा जिसकी जानकारी आयोजक बाबा समरेश सिंह ने दी है। ये समागम 1 अप्रैल 2 अप्रैल 3 अप्रैल को होने जा रहा है। इसमें देश विदेश से सारे हिंदुस्तान से हमारे सिख भाई पंजाबी भाई या जो भी गुरु नानक नाम लेवा संगत है वो भी पहुँच सारे लोग पहुँच रहे हैं। वहाँ पे हम एक बड़ा समागम करने जा रहे हैं। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का जो 350 साल है उसको मुख रख के ये समागम होगा। ये समागम भाईचारे का समागम है। गुरु का संदेश दिया जाएगा, गुरमत दी जाएगी, उसमें हमारे विद्वान लोग आएंगे, कथा कीर्तन होगा, विचारे होंगी और अच्छा समागम होगा। ग्रेजुएट कॉलेज में संस्कृत संभाषण शिविर का आयोजन किया गया जिसमें संस्कृत भाषा को एकता और बंधुत्व की भाषा बताया गया। संस्कृत विभाग द्वारा ग्रेजुएट कॉलेज में संस्कृत संभाषण शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर शहर के कई ऐसी हस्तियों को आमंत्रित किया गया जो संस्कृत के प्रकांड पंडितों में आते हैं। वक्ताओं ने संस्कृत को देव भाषा के साथ साथ विश्व बंधुत्व और एकता की भाषा बताया। संस्कृत के बारे में संस्कृत की उत्पत्ति इस ब्रह्मांड से हुई। आज वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं और ये रिसर्च कर रहे हैं नासा के वैज्ञानिक इसरो के वैज्ञानिक विश्व के जो भी वैज्ञानिक है कि जब इस संसार सृष्टि का आगमन हुआ तो उस समय कौन सा ऐसा शब्द था जिसका उच्चारण जिसका आगमन हुआ और लोगों ने सुना उसकी ध्वनि की। आप देखते होंगे जानवर भी जब बोलता है माँ बोलता है, सबसे पहले माँ बोलता है, कौन पहले है। साइंस स्टार क्लब द्वारा न्यू रानीकुदर में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी साई महोत्सव का आयोजन किया गया जिसमें बड़ी संख्या में भक्तों ने भाग लिया। Thank you.